बिजनेस लाइफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की अनोखी खबर। अनोखा है इंडिया का ये मंदिर। 83 साल से लाल मिर्च से हो रहा है अभिषेक। भारत देश में अनोखी परंपराओं की कमी नहीं है, ठीक इसी प्रकार अनोखे मंदिरों की भी कमी नहीं है। खास बात यह है कि दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली सबसे अलग और अद्भुत है। यहाँ की परंपराएं भी सबसे अलग होती है। यहाँ स्थित एक ऐसा मंदिर है जहाँ रोगों से दूर रहने के लिए मिर्ची से अभिषेक किया जाता है। दरअसल वर्णामुथु मरियम्मन मंदिर तमिलनाडु के सबसे बड़े जिले वेलुपुरम में विश्व प्रसिद्ध ओरोविला इंटरनेशनल टाउनशिप के पास एक गांव इंडेचवाड़ी में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 8 दिनों तक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसमें मिर्ची का अभिषेक देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये लोगों के स्वस्थ रहने की कामना के लिए किया जाता है। मंदिर की परंपरा के अनुसार यहाँ के 3 सबसे वरिष्ठ लोग पहले अपने हाथ में कंगन धारण करते हैं और फिर दिन भर उपवास रखते हैं। इसके बाद उनका मुंडन संस्कार होता है। फिर पुजारी उन्हें देवताओं की तरह पूजा स्थान पर बैठाकर उनकी पूजा की जाती है। फिर उनका विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। इसमें चंदन, कुचले हुए फूल आदि शामिल होते हैं। इसके बाद मिर्ची का अभिषेक होता है। इसमें तीनों को मिर्ची के लेप से स्नान कराया जाता है। उससे पहले इन्हें मिर्च का लेप खिलाया जाता है। इसके बाद आखिर में उन्हें नीम के जल से स्नान कराकर मंदिर के अंदर ले जाया जाता है, जहां उन्हें जलते हुए अंगारों पर चलना होता है। बताया जाता है कि यह परंपरा करीब 85 सालों से निभाई जा रही है। हरि श्रीनिवासन को 1930 में स्वयं भगवान ने दर्शन देकर यहाँ के लोगों को रोगों से दूर रखने के लिए इस परंपरा को निभाने का आदेश दिया था। तब से यह परंपरा निभाई जा रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।